बाद धर्मवीर चौधरी को पार्टी से निकाला। मायावती के लिए खड़ा हुआ लीडरशिप का संकट। वेस्ट यूपी में 10 सालों में कई नेताओं ने छोड़ा साथ। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया मिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। बसपा के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा लाभकारी रहा है। खुद मायावती पहली बार बिजनौर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। यहां जाट, दलित और मुस्लिम वोटर्स बसपा का साथ देते रहे हैं। जाट और मुस्लिम समीकरण साधकर बसपा लोकसभा चुनाव जीतती रही है, जहां 2019 चुनाव में बसपा ने 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं हाल ही में पिछले साल बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद एक साल भी पूरा नहीं कर पाए और पार्टी से निकाल दिए गए। अब पश्चिमी यूपी में ही बसपा संगठन की अहम कड़ी रहे पुराने नेता धर्मवीर चौधरी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। निष्कासन का कारण पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना बताया गया। सूत्रों का कहना है कि दोनों बसपा से अलग नया ठिकाना तलाशने के कारण ही इन दोनों को बाहर किया गया। बसपा का गढ़ रहे पश्चिमी यूपी में ये दो हालिया मामले हैं, जहां नेता खुद को असहज पा रहे थे। देखा जाए तो एक दशक के अंदर नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो पार्टी छोड़ गए या निकाल दिए गए। पुरानी पार्टी छोड़ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी टिक नहीं पा रहे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिमी यूपी में अपने गढ़ में क्या बसपा के लिए लीडरशिप का संकट खड़ा हो रहा है। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और समझते हैं लीडरशिप के संकट को। पश्चिमी यूपी की सियासत तेजी से बदल रही है। अगले लोकसभा चुनाव में यहां किसका परचम लहराएगा, इसके बारे में तो अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया, दोनों ही गठबंधन अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे हैं। वैसे तो दोनों ही गठबंधनों का अपना अपना वोट बैंक है, लेकिन इसको और मजबूत करने की कवायद भी जारी है। सबसे अधिक हलचल दलित वोटों को लेकर है। वेस्ट यूपी में ये धारणा अहम होती जा रही है कि फिलहाल 2024 के आम चुनाव में बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में दलित वोटर जिस पार्टी की तरफ चल देंगे उसकी ताकत बढ़ जाएगी। दलित किधर जाएगा इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ बसपा अपना जनाधार खोती जा रही है तो दूसरी ओर पार्टी के बड़े नेताओं ने भी नए ठिकाने की शुरुआत कर दी है। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद के बसपा छोड़ने के बाद अब बसपा की अहम कड़ी रहे पुराने नेता धर्मवीर चौधरी को भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। धर्मवीर के निष्कासन का कारण पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना बताया गया। लेकिन गौर किया जाए तो पश्चिमी यूपी बसपा के लिए शुरुआत से बसपा के लिए फायदेमंद रहा है। बसपा प्रमुख मायावती भी पहली बार पश्चिमी यूपी की बिजनौर सीट से ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। जाट, मुस्लिम, दलित वोट यहां चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। जब बात बसपा की आती है तो जाट मुस्लिम समीकरणों को साधकर अपने बेस वोटर दलितों का साथ मिलने से काफी मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि इस दलित वोट बैंक के लिए यहां जाट और मुस्लिम नेताओं को बसपा का साथ भी रास आता रहा है। वहीं बसपा की 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इस सरकार में पश्चिमी यूपी के कई बड़े चेहरे थे। उसके बाद 2012 में बसपा की सरकार चली गई। इसके साथ पार्टी का जनाधार घटने लगा और कई चेहरे भी बसपा से दूर होते गए। बसपा सरकार में मंत्री रहे मथुरा के लक्ष्मी नारायण चौधरी आज बीजेपी सरकार में एक मंत्री हैं। इसके अलावा ठाकुर जयवीर सिंह, धर्म सिंह सैनी भी बसपा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन वो अब बीजेपी में है। वहीं रामवीर उपाध्याय का परिवार भी बीजेपी में है। बसपा सरकार में ही मंत्री रहे योगराज सिंह आरएलडी में है। बसपा में राज्यसभा सदस्य रहे वीर सिंह, पूर्व विधायक जाकिर अली अब सपा में है। बसपा विधान परिषद दल के नेता रहे सुनील चित्तौड़ अब भीम आर्मी में है। मास्टर राज्यपाल राजेंद्र सिंह,
सतपाल गुज्जर भी बसपा से विधायक हुआ करते थे, लेकिन वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन मायावती ने भी अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के लिए संगठन मजबूत करने में जुटी बहुजन समाज पार्टी में अब ओवरहॉलिंग शुरू हो चुकी है। बसपा प्रमुख मायावती के सख्त निर्देश को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी यूपी के 5 जिला अध्यक्ष बदल दिए गए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन के काम में ढिलाई बरतने वाले और भी पदाधिकारियों को हटा दिया जा सकता है। मायावती लोकसभा चुनाव समय से पहले करवाए जाने की आशंका जता चुकी है। इसे देखते हुए उन्होंने संगठन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बूथ स्तर पर कमेटियों के गठन का काम 31 जुलाई को पूरा करना है, उसके बाद कैडर कैंप शुरू होने हैं। मायावती कह चुकी है कि जो पदाधिकारी निष्क्रिय है उन्हें हटाकर दूसरों को जिम्मेदारी दी जाए। इसी कड़ी में सभी जिलों के कमेटियों का गठन तेजी से चल रहा है। कोऑर्डिनेशन के जरिए इस काम की सीधी रिपोर्ट भी लगातार मायावती को भेजी जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसी के आधार पर पार्टी में एक्शन भी लिया जा रहा है ताकि समय पर कमेटियों का गठन हो सके। ताजा फेरबदल में मुरादाबाद में सुनील आजाद को, बिजनौर में दिलीप कुमार उर्फ पिंटू, अमरोहा में सोमपाल सिंह एडवोकेट, रामपुर में सुंदर सागर और मथुरा में गोवर्धन को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मवीर चौधरी का कहना है कि बूथ कमेटियों के गठन सहित संगठन मजबूत करने के निर्देश बसपा प्रमुख ने दिए हैं। इस काम को ठीक से करने के लिए ही बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं बीएसपी में किए जा रहे बदलाव से पहले लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। फीडबैक में यह सामने आया है कि नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर है। ऐसे में अहम पदों पर अनुभवी लोगों की जरूरत है। कई पुराने अनुभवी कार्यकर्ता किनारे हो गए थे, इस बात को लेकर उनमें से कुछ असंतुष्ट थे। इसी को ध्यान में रखते हुए अब अनुभवी लोगों को तवज्जो दी जा रही है। ये अपने संपर्क के आधार पर लोकसभा प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने में ज्यादा अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। मुरादाबाद में जिन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है वो मंडल कोऑर्डिनेटर के पद पर रहे हैं। रामपुर में नए जिलाध्यक्ष पूर्व दर्जा प्रताप मंत्री है। मथुरा के जिलाध्यक्ष पहले भी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने की अपनी रणनीति जारी रखेगी, लेकिन कुछ अहम पदों पर अनुभवी लोगों को जिम्मेदारी देकर बैलेंस बनाने की भी कोशिश की गई है। वहीं अब ये बातों को देखा जाए तो पश्चिमी यूपी में बसपा की एक एक करके पुरानी लीडरशिप खत्म हो रही है, तो वहीं पुरानी लीडरशिप खत्म होना और नई तैयार ना होना बसपा के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि पश्चिमी यूपी बसपा का गढ़ रहा है। यहाँ लीडरशिप कमजोर होना चिंता है, इसीलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। ऐसे में बसपा अपना खोया जनाधार तलाश रही है, लेकिन ऐसे में पुराने नेता नहीं रहेंगे और नए भी नहीं टिकेंगे तो फिर जनाधार हासिल करना मुश्किल होगा। वहीं एक तरफ बसपा प्रमुख अकेले ही लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सब कुछ खुद के दम पर ही करना है तो इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी चेहरों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी पार्टियों के पास पहले से कई चेहरे हैं। इसके साथ ही बीजेपी पश्चिमी का रण जीतने के लिए हर तरकीब अपना रही है, तो सपा भी आरएलडी के साथ मिलकर अपने जनाधार को मजबूत कर रही है। वहीं अकेले दम पर चुनाव जीतने के लिए खुद बसपा संगठन मजबूत करने पर जोर दे रही है। ऐसे में लोकसभा से पहले इमरान मसूद जैसे चेहरे और धर्मवीर चौधरी जैसे संगठन के पुराने पदाधिकारी का पार्टी से जुदा होना अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं देता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता है। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।